देखिए ये पर्दा वाला कपड़ा है, और मैं ऊपर की साइड देखिए पीछे का साइड ये है, मैं ऊपर की साइड ही लाइन खींचूंगी। देखिए पांच इंच पर निशान लगाना है, फिर एक इंच का तीन बॉक्स बनाना है। बनाने के बाद देखिए फिर तीन इंच छोड़ना है, एक दो तीन, तीन इंच छोड़ने के बाद फिर से तीन बॉक्स बनाना है, एक एक इंच का तीन बॉक्स बनाना है। फिर से फाइव इंच छोड़ना है। देखिए चौड़ाई में है 19 इंच और लंबाई में है 50 इंच, तो ऐसे में इधर भी मैं निशान लगा लेती हूँ। अभी देखिए इस साइड से भी ऐसे एक एक इंच पर निशान लगाना है। तो ऐसे करके बॉक्स बनाना है। बनने के बाद देखिए ऐसे निशान लगेगा। फिर इसको छोड़ना है। पूरा ऐसे ही निशान लगाना है। देखिए डिजाइन बनाने से पहले ये दोनों कपड़े को ऐसे करके गोल शेप देने के लिए ऐसे सिल लेना है। तो पहले सिलने से क्या होता है, ये जो गोल शेप है अच्छे से होता है, नहीं तो सिलने के डिजाइन सिलने के बाद आप सिलने जाओगे तो अच्छा नहीं होता है।
तो पहले सिल लेना ही सही है, मैं पहले ही सिल लेती हूँ। देखिए ऐसे करके मैं पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए मैं डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया। अभी देखिए ये जो फोल्ड है, मैं हर वीडियो में बताती हूँ ऐसे करके सिलना है। तो ऐसे करके मैं पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ।